बैतूल जिले के चिचोली नगर को स्वच्छ बनाने के लिए स्कूली बच्चों ने अनूठी पहल की है। बच्चों ने शहर के डिवाइडरों और दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई और नगरवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। इन दिनों केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत योजना चलाई जा रही है। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारी लगे हुए हैं। इसी कड़ी में चिचोली के GS पब्लिक स्कूल में बच्चों ने भी अनूठी पहल की है। बच्चों ने मुख्य मार्ग पर बने डिवाइडर पर नगर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेंटिंग चित्रकला का प्रदर्शन किया, जिसमें नगरवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। बच्चों की इस पहल को लेकर शाला के प्राचार्य, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने उनका हौसला बढ़ाया है। बच्चों ने पेंटिंग के माध्यम से नगर को स्वच्छ तथा साफ रखने और पौधारोपण करने का संदेश दिया है। इस अवसर पर संचालक शिवम मालवीय, प्रिंसिपल महीधर रेड्डी, संतोष कुमार नेहा सहित स्कूल के बच्चे के सहयोग से आकर्षक पेंटिंग बनाई गई है। हम सबको बताना चाहते हैं कि हमें हमारे एरिया को, जहां हम रहते हैं, उसे साफ रखना चाहिए, स्वच्छ बना के रखना चाहिए। और इस पेंटिंग से हम दर्शा रहे हैं कि जैसे हम हमारा शहर या हमारा गांव जो भी गंदा पड़ा होता है उसे हमें साफ कर रखना चाहिए। और हम इस पेंटिंग से ये बता रहे हैं कि हमारा जो चिचोली है उसे हमें एकदम नीट एंड क्लीन रखना है। उसे बोलेंगे हम क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। अच्छा करते हैं ये एक काम देखकर बाकी स्कूल लोगों भी थोड़ा उत्साह से उत्सुकत होकर ये बाकी जो डिवाइडर बचा हुआ है इसका इस पर पूरा चित्र तो पूरा कर दीजिएगा। ये आशा रखते हैं इसी की वजह से लोगों के लिए स्वच्छता की और कदम उठाएंगे और अपनी तबीयत को तंदुरुस्त रहेंगे। चिचोली से सुरेंद्र बावनी की रिपोर्ट।